नगर निगम की जमीन पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण होना शुरू। अतिक्रमण के कार्य को नगर आयुक्त ने तत्काल रोकने का दिया आदेश, परंतु नगर आयुक्त के आदेश को अतिक्रमणकारियों ने किया बेअसर। ऐसे में निगम को अतिक्रमण मुक्त करना नए आयुक्त के लिए हो सकती है टेढ़ी खीर। News9 Times बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया नगर निगम के छावनी आमना मस्जिद के पास वार्ड नंबर 5 में मस्जिद के बगल के निगम की जमीन पर अवैध रूप से पक्का का निर्माण कर अतिक्रमण का कार्य मोहल्ले में तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त, अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष कालीबाग OP को आवेदन देकर अतिक्रमण मुक्त करने और अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आग्रह किया है। आवेदन में उल्लेख करते हुए बताया गया है कि मस्जिद और सड़क के बीच कोई निजी जमीन किसी व्यक्ति की नहीं है, पहले झोपड़ी का कब्जा था और अब पक्का का निर्माण कर अतिक्रमण मोहम्मद रियाज अहमद और महफूज आलम उर्फ मुन्ना के द्वारा किया जा रहा है। आवेदन की जांच के पश्चात निगम के नगर आयुक्त शंभु कुमार के द्वारा 29 जुलाई को नोटिस संख्या 1764 के द्वारा अतिक्रमणकारियों को कार्य बंद कर 3 दिनों में अपना पक्ष रखने का निर्देश जारी किया गया और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई, जिसके अनुपालन के लिए स्थानीय कालीबाग OP को भी निर्देशित किया गया, परंतु निगम प्रशासन और पुलिस थाना के पश्चात भी अतिक्रमण का कार्य नहीं रुका और वो होता रहा। अपने ही दिए आदेश का मजाक बनाकर निगम के अधिकारी मूक दर्शक बन गए। वहीं जब निर्माण कराने वाले ने अपना पक्ष रखा तो उसमें यह जानकारी आई कि वे अपना होल्डिंग टैक्स निगम को देते रहे हैं और 60 साल लगभग से भी ज़्यादा समय से उस जमीन पर अपने पूर्वजों के समय से रहते आए हैं और उन्होंने सड़क व नालों से हटकर अपना निर्माण नगर निगम की जमीन पर ही करा रहे हैं, इसलिए नगर आयुक्त ने उनकी बातों के आधार पर निर्माण करने का आदेश दे दिया है। वहीं चांद तारा खातून ने यहाँ तक कहा कि हम लोगों को नगर आयुक्त ने लिखित आदेश दिया है निर्माण कराने का, जिसकी प्रतिलिपि कैमरे पर दिखाने से मना भी कर दिया। हालांकि इस निर्माण को लेकर मोहल्ले के लोग दो दलों में पक्ष और विपक्ष में बंट गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार के तनाव से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं नगर आयुक्त शंभु कुमार ने कहा कि स्थानीय आवेदनों के आधार पर कार्य कराने वाले को कार्य रोकने व जवाब देने का नोटिस दिया गया है। उन्होंने अपना जवाब दिया है, जिसकी जाँच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं महिला चांद तारा के कही बात के संबंध में बताया कि हमारे द्वारा कोई लिखित आदेश निर्माण कराने हेतु नहीं दिया गया है, वहां और भी अतिक्रमण है और हटाना होगा तो सिर्फ उसी का नहीं, सभी का हटाया जाएगा। यदि आदेश के बाद भी कार्य हो रहा है तो वह थाना की जिम्मेदारी है रोक लगाना। प्रथम दृष्टया नाला व सड़क पर निर्माण नहीं कराए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय और निर्देश दिया जा सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं नगर निगम के आयुक्त के लिखित रोक के आदेश के बावजूद जिस भी मौखिक आदेश के बदौलत कार्य हो रहा हो वो सवाल के घेरे में है। ऐसे में जब लिखित आदेश को प्रभावी नहीं कराना था तो फिर आदेश निर्गत क्यों किया गया? वहीं जब निगम वाकई ऐसी छोटी बड़ी अतिक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं है तो आने वाले समय में ऐसे कई अतिक्रमण स्थल आएंगे जहां उन्हें एड़ी छोटी एक करनी पड़ सकती है। साथ ही पूर्व के अतिक्रमण को देखकर नए अतिक्रमण को नहीं रोकना आगे के लिए सभी अतिक्रमणकारियों को एक प्रबल हिम्मत देने की भूल नगर निगम के द्वारा की जा रही है, जिसका खामियाजा उन्हें हर एक जगह पर उठाना पड़ सकता है और उसका दुष्परिणाम नालों और सड़कों की सफाई और निकासी को प्रभावित करेगा। News 9 Times क्या मामला है इस मोहल्ले में आपके समक्ष? मेरा नाम मोहम्मद इखलाक खान हुआ, मैं अमना मस्जिद का अध्यक्ष हूँ। यहाँ मुद्दा ये है कि ये जो रोड है मस्जिद का रोड के बीच में, जो ये नगर निगम का जो रोड है, इसके अलावा ये लोग महफूज आलम और रियाज अहमद के द्वारा अतिक्रमण करके पक्का मकान का घर बना रहा है लोग, जिसका सूचना हम लोगों ने नगर आयुक्त को भी दिया गया था, इसके बावजूद भी प्रशासन अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। नगर निगम के नगर आयुक्त को देने के बाद क्या कार्रवाई किया गया? इसके द्वारा प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, कोई आदेश वगैरह नहीं दिया गया? नहीं। क्या आया था? नोटिस आया था नगर निगम के द्वारा, लेकिन प्रशासन ने अपना अभी तक कोई काम नहीं किया।
क्या मामला है इस यहाँ पे जो घर बन रहा है उसके समक्ष क्या मामला आया है? मामला ये है कि ये हमारी आमना मस्जिद हो गई, ये आमना मस्जिद जो निर्माण हुआ है उसके लिए नगर निगम का महारानी जानकी का रोड है, महारानी जानकी रोड है, महारानी जानकी रोड में यहाँ पे किसी का मस्जिद और ये रोड किसी की निजी जमीन नहीं है यहाँ पे बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अतिक्रमण कर पक्का बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ हमने एक आवेदन नगर आयुक्त को दिया, थाना में भी दिया है, नगर आयुक्त द्वारा ये आदेश भी पारित किया गया कि यहाँ पे काम को रोका जाए। थाना आया, यहाँ पे थाना आकर देखा काम चल रहा था, लेकिन थाना कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, नगर आयुक्त का आदेश का उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए हम लोगों में सब में आवाम में रोष है, यहाँ पे नगर आयुक्त के आदेश के बावजूद भी यहाँ पे वर्क क्यों हो रहा है, काम क्यों हो रहा है? नगर आयुक्त के निर्देश के बाद फिर आपने नगर आयुक्त को सूचना दिया था ये काम हो रहा है? नगर आयुक्त में हम लोग गए कि वहाँ पे काम और आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, काम हो रहा है, तो नगर आयुक्त ने कहा कि हमें GPS द्वारा फोटो दिया जाए प्रूफ के साथ और एक आवेदन दिया जाए कि हमारा आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। हमने वो भी किया, GPS द्वारा फोटो भी लेकर हमने और आवेदन में लगा कर संलग्न करके इसको हमने वहाँ पे दिया। प्रशासन से भी वो भी हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे महावीरी के कारण प्रशासन बिजी था, वो लोग बोले कि महावीरी के अगले दिन हम लोग देखेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन के द्वारा। ये आमना मस्जिद पीछे में है, इसका फ्रंट गेट है, गेट का नक्शा में इसका गेट है, और ये लोग पहले से यानी फूस का घर था हुआ कि हम लोग बना लेंगे तो कहीं हट जाएंगे, और ये लोग बाद में फिर पक्का का घर बना रहे हैं। मस्जिद का साइड से गेट निकाला गया तत्काल में, फूस का घर था से पक्का किया जा रहा है। हम लोग नगर निगम में सब आवेदन दिए, वहाँ से इन लोग को भी नोटिस आया, थाना को भी नोटिस आया, और थाना प्रभारी वो नोटिस में लिखा हुआ है कि काम को रोका जाए, इनलीगल काम हो रहा है यहाँ पे, इन लोगों का कोई दस्तावेज नहीं है, और इसका पर थाना आया, इंक्वायरी कर लिया, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि काम लगातार हो रहा है इनलीगल, पर थाना अध्यक्ष इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नगर आयुक्त के द्वारा कोई कार्रवाई किया गया? नगर आयुक्त का जो करना था इन लोगों को नोटिस दिया और थाना में नोटिस भेज दिया कि इसको काम को रोका जाए, पर ये थाना आयुक्त थाना अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं और ये भी काम नहीं रुक पा रहा है। जो इलीगल बार बार किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? मस्जिद तामीर कब हुई है? मस्जिद तामीर हुई है 5 साल पहले। लोगों का मकान कब से है? 70 वर्ष से पहले। नगर पालिका का रसीद करता है, ये कौन है खाली कराने वाले? और नगर पालिका किसी एक मकान को नोटिस करेगी, दो को नोटिस करेगी? ये पूरा नगर पालिका में सब लोग बनाया हुआ है, किसी स्पेशली एक आदमी टारगेट किया जाएगा? यानी मस्जिद को क्या दिक्कत है, किस कम्युनिटी को दिक्कत है? यानी आपके कहने के अनुसार ये अतिक्रमण में नहीं है? नहीं, अतिक्रमण में नगर पालिका रसीद करता है, कैसे अतिक्रमण हो गया? बहुत सारी जमीन है जिसका नगर पालिका मतलब छेका हुआ है, जिसका कोई। अच्छा, तो इसमें आप लोग को नोटिस भी दिया गया है क्या नगर निगम के द्वारा? कराया गया है, तो उसकी जवाब दी जा रही है। अभी तक जवाब आप लोगों ने द्वारा नहीं दिया गया? दिया गया है, दिया गया है। थाना प्रभारी का भी लिखित आए थे। अच्छा, ये जमीन कैसा जमीन है ये बताइए? नगर पालिका का जमीन है, जब गवर्नमेंट आवश्यकता पड़ेगी गवर्नमेंट अपना लेगी, नगर पालिका जमीन है, नगर पालिका जो रसीद। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम पड़ेगा मोहम्मद फारूक, ये बगल में मेरा घर पड़े। ये जो नोटिस हुआ है उसी घर में से है क्या आप? नहीं, इस घर से नहीं है। आप इस मोहल्ले के रहने वाले हैं? जी, मोहल्ले के रहने वाले। तो आपके हिसाब से ये अतिक्रमण नहीं है? नहीं, अतिक्रमण जलिका का रसीद कटवा रहे हैं हम, जब उसका जो उसका रेट हम भर रहे हैं, कैसे हम अतिक्रमण रसीद में है? अब रहा मस्जिद को दिक्कत है, तो मस्जिद को दिक्कत, मस्जिद 5 साल अभी हुआ बने हुए, 60 साल से यहाँ मकान लोग बना कर रह रहे हैं, तो आप क्या मांग करते हैं? मस्जिद को दिक्कत, मस्जिद का रास्ता दोनों तरफ से है, क्या दिक्कत है मस्जिद? तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम कुछ मांग नहीं करना चाहते हैं, जैसे जो बसा वाले बसा रहने दिया जाए, जिस दिन गवर्नमेंट को सख्ता पड़ेगी कि हाँ गवर्नमेंट को लगेगा ना इस अतिक्रमण को हटाया जाए, तो अपना जो रसीद हम लोग करता कैंसिल करेगी और खाली कराएगी। तो इन लोगों के द्वारा कोई विवाद तो नहीं किया जा रहा है? इन लोग तो आवेदन दिया है, आवेदन पे प्रशासन कार्रवाई करेगा? तो अपना कार्रवाई जो लीगल प्रोसेस है वही कर रहे हैं हम, कहा उससे अलग काम कर रहे हैं। ठीक, जवाब दे दे रहे हैं, उसका जवाब सवाल चल रहा है, कार्रवाई चल रहा है। ये बताइए, ये क्या मामला है कि जो कि आप घर आपका जो बन रहा है उसमें अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं और आप लोगों को नोटिस दिया गया है कि काम बंद करवाने का? सर, हम लोग का मतलब बूढ़ पुरानिया मर गया पहले, हम लोग 100 साल से यहाँ पर है, लोग बूढ़ पुरानिया मर गया, 60 साल से तो हम लोग हैं यहाँ पर। ये लोग मस्जिद वाला लोग के 5 साल हुआ, 5 साल हुआ मस्जिद लेते, जब मस्जिद के बुनियाद डलाया तो मौलाना पूछे कि कैसा घर, तो ये लोग बोला कि हम लोग उधार देंगे, तो मौलाना बोले कि कैसे उधार सकते हैं, तो हम बुनियाद नहीं डालेंगे, क्योंकि मंदिर मस्जिद ये नहीं बोलता है कि कोई गरीब के घर उजाड़ के हम फेंक दें, तो मौलाना बोले कि हम नहीं बुनियाद डाल सकते हैं, तो ये लोग बोला कि ठीक है हम आपसे वादा करते हैं कि इन लोग को हम कोई दिक्कत नहीं देंगे, उसके बाद मौलाना बुनियाद डाल दिए, ये तैयार हो गया।
उसके बावजूद भी हम लोग का हर साले साल ये लोग तंग कर रहा है। 1.5 फीट के हमारा 5-6 फीट का अथी निकला हुआ था छज्जा, वो तोड़वा दिया। उसके बाद परसल भी 4 फीट के छज्जा निकाला लोग तो थाना प्रभारी आए, कुमार आए उधर से आकर ये लोग वीडियो करे, वीडियो करके रोपाए कि आप लोग काय गरीब के ऊपर तंग कर रहे हैं। ये मंदिर और मस्जिद नहीं बोला है कि मतलब गरीब के उजाड़ के घर बने। तो सर बताइए कि हम लोग 100 साल से है लोग, ये लोग दादागिरी मांग रहा है कि हमको इतना पैसा दे दो हम छोड़ देंगे। तो हम आज से नहीं 100 साल से, ये लोग 5 साल से, तो हम कैसे ये लोग के दादागिरी दे दे, 2 लाख रुपया दे दे और दे के हम हट जाए, यही बताइए आप। जब हम लोग बोलते हैं तब कोई बात अगर आते लोग कहते हैं लोग तो मारने के लिए सब कोई तैयार हो जाते हैं। पूरा जो पैठन पट्टी में है, पूरा पैठन पट्टी में सारे लोग आकर देख रहे हैं अभी कितना दमंग होकर आया है लोग। हर हमेशा मारपीट कर धमकी दे रहे लोग, हम तो गरीब आदमी है, हमारा तो मतलब हम तो यही जब भी आता है तो बोलते हैं। अच्छा, मामला तो अब कहने का मतलब ना आपके बीच है ना उनके बीच है, नगर निगम के पास है और नगर निगम नोटिस किया है, उसका आपको जवाब देना है। के पास हम गए तो बोले सर कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो जो आपसे हम बोले हैं वही प्रॉब्लम उनसे भी हम बोले। तो बोले कि नैथी के रोड के और नाला के जगह छोड़ दी है, हम कहीं जी सर छोड़ दिए। तो बोले कि ठीक है अपना अब जाकर घर बनवाइए, नगर आयुक्त बोले आपको घर बनवाइए। ठीक है, रोड के लिखित में आपको दिए हैं जी, रोड लिखित में दिए हैं, मतलब लिख कर दिए हैं कि घर बनाइए है, लिखित आपके पास। अच्छा, आप नोटिस का जवाब भी दिए हैं? नोटिस के जवाब हम दे चुके हैं, तब ये सर बोले कि तुम आप जाके अपना वो लिखित का कागज अभी आप दिखा सकती हैं? ना, हम क्यों दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? चांद तारा खाता, घर छावनी, थाना से भी आया लोग, थाना भी दे कर गया लोग कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।